गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। पे आज क्लास आपर 13 जून डेली करेंट अफेयर्स 13 जून 2024 समस्त गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आलोचना करवा। आज का भिडियो इंपोर्टेंट ओडिशा न्यूज सहित करेंट अफेयर्स चर्चा आम डेली वाइज होता है, तो डेली क्लासेस को जो मैंने देखुंत निश्चित भाव में सराहनीय रोह आ समस्त को धन्यवाद। तेणु भिडियो गोटे लाइक और सेयार करा को जमा भूलुनि। जमीक आपने समस्त जा सारी आम ओडिशार नुआ मुख्यमंत्री जो शपथ ग्रहण समारोह अलरेडी सरी सारी, तो शपथ ग्रहण में कौ कौ मैंने कैबिनेट मिनिस्टर हेले शपथ ग्रहण केतज नहीं सहित आम जो स्पीकर बाचस्पति किए ए समस्त गोटे भिडियो मुझे अलरेडी छाड़ी आपण मैंने देखिपर प्ले लिस्ट निश्चित भाव में। आज का शेष होगा प्रथम क्वेश्चन उपरको पढ़ी जा। प्रथम क्वेश्चन कौन होती कौन प्रकार क्वेश्चन ताकि नजर पकईद, तो प्रथम क्वेश्चन आप देखा पाइबे रिसेंटली मोहन चरण माझी बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट। कौन चले पिला मैंने निकट ने मोहन चरण माझी कौ राज्यर मुख्यमंत्री होती पिला मैंने सी होती आम ओडिशा रही मुख्यमंत्री होती ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री जी की प्रथम थर पर बीजेपी सरकार गठन कर बीजेपी प्रथम जो मुख्यमंत्री भाव में घोषणा कर 11 तारीख में मोहन चरण माझी को 11 तारीख में घोषणा होते नाम कितु 12 तारीख में शपथ ग्रहण करते सहित कनक वर्धन सिंह देव जी की केवी सिंह देव ता सहित प्रभाती पड़ीरा ये दुईज जो कि डेपुटी चीफ मिनिस्टर भाव में शपथ ग्रहण कर सहित 8 जन जोटा कि कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट जोटा कि रही मेंबर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री आप 5 जन यही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो रही 13 जन शपथ ग्रहण कर सारी आपण मैंने जानकुक चाहिए जे दीर्घ 24 वर्ष नवीन पट्टनायक जो विजु जनता दल जो आपण मान जो लीडिंग करुले नवीन पट्टनायक सहित सी सीएम रही है दल रो परास्त होगापर आम बीजेपी सरकार बनई ओडिशा देखा जाऊ निश्चित आग को बढ़िया देखा कौन अच्छी परवर्त क्वेश्चन क्वेश्चन देखा पाइबे हू हाज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर सॉरी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो भारतीय नौसेना भारतीय सेनार परवर्ती मुख्य भाव में किए नामित होती सी एल पिला मैंने जोटा कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी फोटो देखिए पिला मैंने सी होती नुआ वाइस चीफ ऑफ आर्मी जोटा कि आर्मी स्टाफ कम करेंगे सर्विंग करुले प्रेजेंटली सर्व करुले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सी एवे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जी की आपर डिफेन्सिव स्टाफ क्या कहले जनरल अनिल चौहान और मनोज पांडे जी की आर्मी स्टाफ रही है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जगह को नेबे पिला मैंने लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी सी पिला मैंने आपण जून 30 स्टूडेंट्स आप जून 30 रु जोटा कि कार्यभार ग्रहण करेंगे डिफेन्स मिनिस्ट्री या आपण मान जोटा कि डिक्लेयर कर सहित आम जब आर्मी क्या कह 26 जनवरी 1950 आर्मी जो एस्टाब्लीश होता इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जा परवर्त क्वेश्चन कौन से देखा नेक्स्ट क्वेश्चन ले हू हैज टेकन ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नूतन मुख्यमंत्री भाव किए शपथ नहीं होती आपण मान चंद्रबाबू नायडू चंद्रबाबू नायडू जी की नुआ चीफ मिनिस्टर भाव में आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करश्चित भाव तेलुगु देशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी जनसेना ये समस्त तीन जन एलायसेस सरकार आंध्र प्रदेश सरकार तैयारी जो थे सीएम प्रथम सीएम बिफ्रुकेटेड सीएम रही है आंध्र प्रदेश सी होती चंद्रबाबू नायडू निश्चित भाव में ये 2019 पोल अपोजिशन लीडर जो लास्ट रही है 2024 पर्यंत। तो जनसेना पार्टी चीफ कथा कह पवन कल्याण जनसेना पार्टी चीफ रही जे कि डेपुटी चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट देश में राज्य में जोटा कि आंध्र प्रदेश राज्य में आपंकर बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रही दग्गुबाती पुरानंदेश्वरी पुरानंदेश्वरी निश्चित भाव में जानते आंध्र प्रदेश गवर्नर होती एस अब्दुल नजीर ए समस्त जिन आपई जोटा कि इंपोर्टां रही है अमरावती जोटा कि कैपिटाल है निश्चित भाव डिक्लेयर्ड होता अमरावती कैपिटाल। नेक्स्ट बढ़ जाओ परवर्त क्वेश्चन को इन व्हिच कंट्री विल द एफआईएस हॉकी मेन्स जूनियर वर्ल्ड कप 2025 बी ऑर्गेनाइज। कौन देश जो कि एफआईएस हॉकी पुरुष जूनियर विश्वकप 2025 रो आयोजन हम पे निश्चित भाव ये गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन रही है ये हूँ आम भारत कर इंडिया को होस्टिंग आमर जोटा कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जोटा कि बोर्ड मीटिंग रही है से बोर्ड मीटिंग डिक्लेयर कला इंडिया होस्टिंग कंट्री रही है डिसेंबर 2025 जो आप हॉकी इनॉग्रेशन रही है हॉकी वर्ल्ड कप जूनियर मेन्स जूनियर वर्ल्ड कप जो कि 24 जनिया टीम आम भारत आसवे भारत में हॉकी खेलेंगे निश्चित भाव में इंडिया होस्टिंग कंट्री रही है
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହକି ଫେଡେରେସନ କଥା କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତୟବ ଇକ୍ରାମ ରହିବେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଆପଣ ଲାଉସେନ୍ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହୋଇଛି ଫାଉଣ୍ଡେଡ ହୋଇଥିଲା 7 ଜାନୁଆରୀ 1924 ପ୍ୟାରିସ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହାକୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ କରାଯାଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ବଢିଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ହୋୟର ୱାଜ ଦ 8th ଏଡିସନ ଅଫ ଦ ଜାପାନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେରିଟାଇମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଜିମ୍ସ ଜିମ୍ୟାକ୍ସ 24 ହେଲ୍ଡ ଜାପାନ ଭାରତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୋଉଟା ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଜିମ୍ ଏକ୍ସ 24 ଅଷ୍ଟମ ସଂସ୍କରଣ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲା ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାପାନରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଜାପାନର ୟୋକୋସୁକା ଜାପାନର ୟୋକୋସୁକା ସିଟିରେ ଯିଏକି ଅଷ୍ଟମ ଜାପାନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେରିଟାଇମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଜିମ୍ ଏକ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହାକୁ କନକ୍ଲୁଡେଡ୍ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଷ୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଥିଲା କିଏ ଜାପାନର ମେରିଟାଇମ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ JMSDF ଯୋଉଥିରେ ଆମ ଭାରତର ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବଢିଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ହୋୟର ୱାଜ ଦ ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଜୁନ୍ 2024 ଜୁନ୍ 2024 ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ରଷିଆରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ରଷିଆ ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ବ୍ରିକ୍ସ କଥା କହିଲେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ କଥା କହୁଛେ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ତ ବ୍ରିକ୍ସର ଆପଣଙ୍କର 10 ଜୁନ୍ 2024 ନିଜି ନବଗଡ଼ ରଷିଆନ ସିଟି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜନି ନବଗଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରିକ୍ସର ଯୋଉଟାକି ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବୈଠକ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା 10 ରୁ 11 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ 2 ଦିନିଆ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହୋଷ୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ରଷିଆ ହୋଇଥିଲା ଯିଏକି କରେଣ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ରହିଛି ବ୍ରିକ୍ସର ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କଥା କୁହେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ରଷିଆ ଇଜ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିକ୍ସ ବ୍ରିକ୍ସ କଥା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ବ୍ରାଜିଲ ରଷିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଜିଲ ରଷିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଲା 5ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଲରେଡି ମେମ୍ବର୍ସ ରହିଛନ୍ତି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଭାରତ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଯେ 2000 ଆପଣ 24ରେ ଯୋଉ 16 ଆପଣଙ୍କର ଆନୁଆଲ ବ୍ରିକ୍ସ ସମିଟ୍ ହବ 22 ଆଉ 24 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେଥିରେ ଜଏନ କରିବାକୁ ନ୍ୟୋତା ଦିଆଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ 16ତମ ଆନୁଆଲ ବ୍ରିକ୍ସ ସମିଟ 2022ରେ 2024ରେ ଆପଣ 22 ରୁ 24 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଯାହାକୁ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିବ କିଏ ରଷିଆ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବଢିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୟୁଏନ୍ ହାଜ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇୟର ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜାତିସଂଘ କେଉଁ ବର୍ଷକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବର୍ଷ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି 2025 ପିଲାମାନେ 2025କୁ ୟୁଏନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଯେ ଇୟର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇୟର ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବର୍ଷ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘାନା ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲା ଯେ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରିବା ତାର ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରିନେବଲ ଏନର୍ଜି ମେଡିସିନ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ତା ସହିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ସମସ୍ତର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇକି ଘାନା ଗୋଟେ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ପାସ୍ କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଏସ୍ଆଇ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଯୋଉଟାକି ବିଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି ବ୍ରିସବେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଏସ୍ଆଇ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ର ବିଲ୍ଡ ହେଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ୟୁଏନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା 2025 ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇୟର ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବଢିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଖିବା ଦ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟାକି ଫିକି କଥା କହୁଛେ ପିଲାମାନେ ଆନାଉନ୍ସ ହୁ ଆଜ୍ ଇଟ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ତ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେନେରାଲ ଭାବରେ କିଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ବିଜ ଅଲରେଡି ଯିଏକି ରହିଥିଲେ କରେଣ୍ଟଲି ୱାର୍କ କରୁଥିଲେ ଫିକିରେ ଯିଏକି ଆଡିସନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଦଭାର ଦିଆଗଲା ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲର ପଦଭାର ଦିଆଗଲା ଜ୍ୟୋତି ବିଜକୁ କାହାର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉଟାକି ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାହାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଅନିତ ଶାହ ଏବଂ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଆପଣ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବଢିଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଖିବା ଅମୋଲ କାଲେ ଇଜ୍ ପାସ୍ଡ ଏୱେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କାର୍ଡିଏକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କ ହି ୱାଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଫିଲ୍ଡ ନ୍ୟୁୟର୍କର ହୃଦଘାତ ହେତୁ ଅମୋଲ କାଲେଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ତ କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ବା କେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ରହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ ଇଏ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୋଚ୍ ରହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର
क्रिकेट सहित रिलेटेड रही मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ प्रेसिडेंट रही क्रिकेट सहित आपको रिलेटेड रही तेणु मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट रही जी अमोल काले आपंकर हृदघात न्यूयॉर्क रे मृत्युवरण होती इंडिया पाकिस्तान मैच सहित नसाउ कंट्री इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एमएससीए सेक्रेटरी जोटा कि अजिंक्य नायक आउ काउंसिल आपंकर जो मेंबर होती सूरज समत ये समस्त जोटा कि काले सहित यूनाइटेड स्टेट को आपंकर देखा करने को जाते तो आपने सिंपल कथ मन रखा दरकार जो काले कथ कहे आपने क्रिकेट को रिलेट करेंगे निश्चित भाव में मन नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्त क्वेश्चन अच्छे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्राम्य उन्नयन मंत्रालय द्वारा ग्राम्य उन्नयन विभाग निर्देशक भाव क्या निजुक्ति दी सी होंगे किए पे राजप्रिया सिंह राजप्रिया सिंह को जो कि आपण मानक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर रही 2010 बैच रुई हजार दस बैच रहा राजप्रिया सिंह जी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर रही अपॉइंटेड करागला डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट निश्चित भाव में मन रखिए ये थिला पिला माने आजिकार समस्त गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन चर्चा आशा करती सेसन भल लगी थी तेणुक गोटे लाइक और सेयार करने को जमा भूलतनी पुणी देखा ये क्लास सहित से समस्त धन्यवाद और जय जगन्नाथ पिला।